मैं स्वयं कल्पान साधना में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी वीडियो ऑन कर लें, सभी वीडियो ऑन कर लें और किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं, आंखों को बंद करें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में और श्वासों का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें। प्रत्येक अंदर जाने वाले श्वास और बाहर आने वाले श्वास को महसूस करें। प्रत्येक श्वास को महसूस करना है और इस श्वास के साथ यही चेतना में डूबते जाना है। ये श्वास, ये प्राण शक्ति और यही जीवन शक्ति, इस श्वास का एहसास, प्राण ऊर्जा का एहसास, जीवन की शक्ति का एहसास और इस प्राण शक्ति के साथ बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास, जब श्वास अंदर जाती है तो अपने साथ अनंत ऊर्जा लाई हुई छोड़कर जाती है, जो श्वास अंदर गया अनंत ऊर्जा को लेकर आया, वह अनंत ऊर्जा आपके अंदर स्थापित कर स्वयं बाहर निकल जाता है। तो इस श्वास के साथ जो ऊर्जा अंदर जा रही है उस ऊर्जा का एहसास करना है, पूरी गहराई से उस ऊर्जा को जानना है, उस ऊर्जा से जुड़ना है, उस चेतना से जुड़ना है, जो चेतना इस श्वास के द्वारा, इस प्राण ऊर्जा के द्वारा इस शरीर को चला रही है। गहरी चेतना में डूबते जाना है और इस ऊर्जा को महसूस करते जाना है। शरीर में जो भी तरंगे, किसी भी तरह की तरंगे, कंपन, ससहाट, झंझनाहट या कोई सर्दी जैसा एहसास, गर्मी जैसा एहसास, कुछ रेंगने जैसा एहसास या जो भी एहसास आपको हो, क्योंकि एनर्जी के अनेक रूप हैं, अनंत रूप हैं, उन रूपों में से जो भी रूप आपको दिखाई दे रहा हो, जो भी रूप आपको एहसास हो रहा हो, उसी एहसास के साथ आगे बढ़ते जाना है। जिस भी तरह की ऊर्जा आपके अंदर श्वासों के साथ बढ़ रही है, उसी तरह की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते जाना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ना कोई विचार करना है, ना कोई क्रिया करनी है, ना कोई प्रतिक्रिया करनी है, सिर्फ और सिर्फ जो ऊर्जा श्वासों के साथ अंदर आ रही है उससे आपके अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों के साथ आगे बढ़ना है। और किसी एहसास पर कोई विचार नहीं करना है, जो हो रहा है बस हो रहा है, आप देख रहे हैं तो बस देख रहे हैं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं,
सिर्फ एहसास करते जाएं, देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। अनंत ज्ञान हमारी चेतना में जन्मों से समाया हुआ है। अनंत किताबों में हमने पढ़ा है, अनेकों जन्मों में बहुत से प्रवचनों में और इस जन्म में भी बहुत से प्रवचनों में अनंत ज्ञान हमारे अंदर समाहित हुआ हुआ है, परंतु वह ज्ञान ज्ञान नहीं है, वह तो केवल ज्ञान की धूल है, एक राख के समान जब ज्ञान की ज्योति जलती है तो पीछे राख छूट जाती है। आपने दीपक को जलते हुए देखा होगा, जब दीपक जलता है प्रकाश कर देता है, लेकिन उसकी बत्ती की राख पीछे छूट जाती है, राख इकट्ठी चली होती चली जाती है, शास्त्र बन जाते हैं, अनंत रूपों में ज्ञान का भंडार लिखा जाता है। लिखने ज्योति जब जलती है, जब आत्म तत्व में ये ज्योति का प्रकाश जागृत होता है, तो शब्द नहीं होते, अनंत संतों ने अनंत महात्माओं ने ज्योति को चेतना में जलाया है, इस अनंत ज्योति को महसूस किया है, अपने चेतन तत्व में ज्योति की जागृति, इस चेतना की जागृति और बाद में वही उनके द्वारा बोला गया शब्द ज्योति की राख का ढेर। उन्हीं शब्दों को इकट्ठा किया, एक किताब बन गई, जैसे जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो आदमी तो मर जाता है, लेकिन उसकी राख को इकट्ठा कर लेते हैं और उसकी राख को, उसकी हड्डियों को हम फूल कहते हैं। जिसको हमने जिंदगी में कभी फूल नहीं कहा, जीते जी उसको कभी फूल नहीं समझा, उसी की हड्डियों को, उसी की राख को फूल कहा जाता है। फूल तो उसमें नष्ट हो चुका है, वो चेतना तो नष्ट हो चुकी है, वो ज्योति तो नष्ट हो चुकी है, लेकिन अब तो केवल राख बची है, केवल हड्डियों की राख, लेकिन हम उस हड्डियों की राख को संभाल कर रखते हैं। जिसको कभी जीवन में आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, कभी एक गिलास पानी भी पीने को नहीं दिया,
आज उसकी राख को गंगा में नहाने सराहने के लिए ले जाते हैं। ठीक इसी तरह से चेतना ज्योत की तरह जल रही है, प्रकाश की तरह जल रही है, अनंत संतों के रूप में, अनंत महात्माओं के रूप में, अनंत सिद्धों के रूप में, अनंत चेतनाओं के रूप में वो चेतना जागृत है। अनंत महावीर तुम्हारे बीच से गुजर जाते हैं, अनंत बुद्ध आपके जीवन से गुजर जाते हैं, लेकिन हम उनको नहीं समझ पाते। अनंत चेतनाएं जागृत कर रही हैं, फिर भी हम केवल अपने स्वप्न में जीते चले जाते हैं, स्वप्न से बाहर नहीं आना चाहते। अगर सुबह उठने को कहा जाता है तो मन कहता है कि ये नींद में कर डाल रहे हैं, हमारे विश्राम को खत्म कर रहे हैं, हमें नींद प्यारी होती है, हमारी बुद्धि कहती है ये कोई जागने का समय है, अनंत सपने अनंत चेतनाएं लगातार देख रही हैं, लगातार चेतनाएं भौतिकता में उन सपनों के साथ आगे बढ़ती जाती है। अनंत सपने और गहरे सपने लेकिन जब कोई चेतना ज्योत की तरह जलती हुई चेतना जीवन चेतना आपके जीवन में गुजरती है तो आपके जीवन को बदलना शुरू कर देती है। आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, जीते जी ज्योत के दर्शन हो जाते हैं, उस चेतना से एकाकार हो जाता है। लेकिन तभी जब हम फूल को जान पाते हैं, जीवंत फूल को, लेकिन हम मृत फूलों के पीछे ज्यादा दौड़ते हैं, मृत फूल अनेक समाधियों के पीछे, अनेक समाधियों पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, तो बत्ती भी जलाते हैं, अगरबत्ती भी जलाते हैं, क्योंकि वो फूल राखों के ढेर बन चुके हैं, उन्हीं के शब्दों को बार बार पढ़ते जाते हैं, और उस राख के ढेर को नहीं छोड़ते,
जो मान्यता जो संस्कार हमने समा लिए हैं, ये राग के ढेर कप भंडार हैं जो जन्मों से इकट्ठी की है, और इन संस्कार और मान्यताओं में ही हम उलझ कर रह जाते हैं। जब तक चेतना जीवित है, अपने बहाव में आपको बहा कर ले जाती है, लेकिन जब चेतना स्वयं मृत हो गई, उसका कोई शोक ही नहीं बचा, केवल शब्द बचे, और शब्दों को भी पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सब तरंगों के रूप में हमेशा जीवित रहते हैं, कभी नष्ट नहीं होते। उन शब्दों की तरंगों को भी पकड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, कुछ कष्टों को भी सहना पड़ता है, उस अनंत आनंद के लिए कुछ कष्ट तो सहने ही पड़ते हैं। उस ज्योत से उस परम से एकाकार होने के लिए कभी हम उस चेतना के ऊपर पुष्पों की वर्षा नहीं करते, कभी उस चेतना को भावों के फूल अर्पण नहीं करते, लेकिन जब वही चेतना सूक्ष्म रूप में शरीर को छोड़ जाती है, तो इन शरीरों की राख के ढेर पर हम मेले लगाते हैं, केवल और केवल मान्यता और संस्कार बन के रह जाते हैं, कुछ नहीं बचता। इसलिए कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितना भी सत्संग सुन लो, 24 घंटे सत्संग सुनते रहो, 24 घंटे ज्ञान इकट्ठा करते रहो, फिर भी सत्य को नहीं जान पाओगे। सत्य तो स्वयं जानना होगा, कहीं से मिलने वाला नहीं है, ना मेरे शब्दों में, ना किसी और के शब्दों में। क्योंकि सत्य तो स्वयं प्रकट होगा, उसके लिए तो चलना पड़ेगा। सारे स्वप्न से आगे ज्ञान तो बांध देता है, ज्ञान एक बंधन है। जैसे जीवन के संबंधों का बंधन है, ऐसे ज्ञान का भी बंधन है, और ज्ञान का बंधन तो संबंधों से भी गहरा बंधन है। संबंधों का बंधन को तो हम तोड़ देते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ज्ञान के संबंध को तो छोड़ भी नहीं सकते।
तो जितना ज्यादा ज्ञान इकट्ठा होता जाता है उतने ही हम बंधनों में बंधते चले जाते हैं। और इसीलिए जब कोई चर्चा होती है तो हम अपनी बात को सब पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही ज्ञान आपका नग्न बंधनों में बांध रहा है। आपने जो जान लिया है वो सिर्फ आपके लिए है, और अगर उसको हम दूसरे के लिए प्रकट कर दें तो इसका मतलब हम उस ज्ञान से बंध चुके हैं। और बंधन को इतना गहराई से हमने स्वीकार कर लिया है कि फिर वही सत्य नजर आता है, और यह ज्ञान का बंधन ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। सत्य तो वही है जो मुक्ति कर देता है, ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे। अनंत ज्ञान के भंडार व्यक्ति हैं, बहुत सी चेतनाएं हैं जिन्होंने अनंत ज्ञान का भंडार है, पूरे संसार का ज्ञान इकट्ठा कर लिया है। बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों से आप मिले होंगे जिसे कोई भी क्वेश्चन किया जाए, कहीं से भी क्वेश्चन किया जाए, चाहे वेदों से किया जाए, चाहे इतिहास से किया जाए, चाहे हिस्ट्री से किया जाए, चाहे भूगोल से किया जाए, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन किया जाए, वो तुरंत जवाब दे देते हैं, एकदम सटीक जवाब। और किस पुस्तक में कहां पर किस जगह लिखा हुआ है ये भी बता देते हैं। ऐसे ऐसे महाज्ञानी लेकिन वो मुक्त नहीं है, ज्ञान केवल बांधता है। आज अनंत सत्संगों को हम रोजाना सुनते हैं, अनंत ज्ञान को रोजाना सुनते हैं, लेकिन आप देखें कि जितना आप ज्ञान सुनते जा रहे हैं उतने ही बंधनों में बंधते जा रहे हैं, क्योंकि आप उनकी बातों को पकड़ रहे हैं, उसके पीछे छुपे रहस्य को नहीं जान पाते। उसके पीछे के रहस्य को जानने के लिए तो स्वयं अनुभव करना होगा, तो जो ज्ञान का बखान कर रहे हैं वो तो और भी ज्यादा बंधनों में बंधे हुए हैं। सब एक दूसरे से सुनी हुई बातों को या लिखी हुई बातों का ही बखान करते हैं, क्योंकि सत्य को तो वो बोल ही नहीं सकते। अगर किसी बुद्ध ने सत्य का अनुभव कर भी लिया है, किसी चेतना ने, तो उसको व्यक्त ही नहीं कर सकते। उस तक पहुंचने का रास्ता तो दिया जा सकता है,
देखो इस अनुभव की व्याख्या नहीं की जा सकती। उस रास्ते पे तो आगे बढ़ाया जा सकता है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो सत्य ऐसा होगा। अनशन पागल नजर आते हैं क्योंकि वो खुशी की भी परवाह नहीं करते, ना अपने शब्दों की ओर ध्यान देते हैं, ना अपने शरीर की ओर ध्यान देते हैं, पर जो हो रहा है होने देते हैं। स्वयं के अंदर तो उनके अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है, अपने ही मस्ती में मस्त रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम पागल कहा करते हैं। और जो अनंत किताबों के ज्ञान को आपको बता रहे हैं उन्हें हम संत कहा करते हैं। अजीब दुनिया है, चेतना का अजीब स्वरूप है, अद्भुत। तो सत्य के जानने के लिए सब कुछ छोड़ दो, ना ज्ञान की जरूरत है ना विज्ञान की जरूरत है, ना किसी सत्संग की जरूरत है ना किसी कामकांड की जरूरत है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, उस सत्य की ओर बढ़ने का पहला कदम है। वो सब जरूरी है, लेकिन जब ध्यान में बैठने लगे तो कुछ जरूरी नहीं रहता। जब तक ध्यान में बैठना शुरू नहीं किया है, उस चेतना उससे जुड़ना शुरू नहीं किया है, तब तक धूप बत्ती भी जरूरी है, अगरबत्ती भी जरूरी है, नहाना भी जरूरी है, हवन भी करना जरूरी है, सत्संगों को सुनना भी जरूरी है। लेकिन एक बार जब ध्यान में बैठने लगे तो धीरे धीरे सब स्वयं छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सारा ज्ञान मिट्टी का ढेर हो जाएगा जैसे जैसे सत्य का अनुभव होगा। सारी मान्यताएं बिखर जाएंगी, सब ज्ञान खत्म हो जाएगा। आप ध्यान में जब जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि सब खत्म हो चुका है। एक क्षण के लिए आप न मेरे शब्दों को सुन पाते हैं, न स्वयं के अंदर के बातों को सुन पाते हैं। उस क्षण का अनुभव करो जिस क्षण सब कुछ खत्म हो जाता है। जहां पे ना मैं रहती है ना तुम रहते हो, सब कुछ खत्म।
ना कोई रूप होता है, ना रूपातीत होता है, ना कहने वाला होता है, ना सुनने वाला होता है। हर संत केवल स्वयं को बड़ा बताता है कि मैं जो जाता हूं वही पूर्ण है। तो हम भी जहां जुड़े होते हैं वही उसी को पूर्णता मानते हैं, क्योंकि हमारी मान्यताएं उसको स्वीकार कर लेती हैं। हम उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। और वही सबसे बड़ी रुकावट है। सब मान्यताओं से आगे बढ़ जाएं और सिर्फ जो एहसास हो रहे हैं, जो प्रकट हो रहा है, जो महसूस हो रहा है, उसको जाने। उसका अनुभव करें। क्या हो रहा है इसकी चिंता ना करें, क्या नहीं हो रहा है उसकी भी चिंता ना करें। सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव से बस देखते रहें। अद्भुत गहरी अनुभूति। अद्भुत गहरी अनुभूति। और गहरी अनुभूति को महसूस करते जाएं और इस अनुभूति के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। धीरे धीरे वापस आने के लिए तैयार हों। अपने सांसों का एहसास करें। जो सांस चल रहा है उस सांस का एहसास करें। सांस को महसूस करें और फिर अपने शरीर का एहसास करें। अपने आप को देखें और अपने चेहरे को मुस्कुराने का आदेश दें। देखें अपना चेहरा मुस्कुराता हुआ, अद्भुत मुस्कुराहट, गहरी मुस्कुराहट और उस मुस्कुराहट का अनुभव करते हुए हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।